देयर इज अ बैड न्यूज, पूर्वांचल पे इस बार मेरा जो टायर है टाइगर का वो चला गया है। एंड क्या हुआ यार, यहाँ पे एक पैच आ गया यार। फाइनली अपने टाइगर का जो टायर है वो चेंज हो चुका है, एंड ऑल थैंक्स टू भैया रेस डायनेमिक्स लखनऊ और भाई लोग के रेस्टोरेंट से। अगर आप लोग आएंगे तो स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगा देना भाई का। चलते हुए प्रणाम। सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल अरिनास गैराज। एंड ये मेरे लाइफ की सबसे लंबी राइड होने वाली है आज तक की, अराउंड 4000 किलोमीटर्स की ये टोटल राइड होगी। और मैं हो चुका हूँ एक्चुअली आज लेट, मतलब मैं क्या मैं और किसले भैया दोनों के दोनों ही लेट हो चुके हैं आज। तो सो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी किसले भैया के हैं और यहाँ पे पैकिंग चल रही है। कितना देर लगेगा जी? सो गाइस किसले भैया के हम लोग अब निकल चुके हैं, एंड हम लोग का जो फर्स्ट स्टॉप होने वाला है वो है सुगना बोन, बिकॉज वहाँ से पेट्रोल की जो फिलिंग है वो करवाएंगे हम लोग। एंड देन फ्रॉम देयर सेकेंड स्टॉप सीधा बक्सर मारने वाले हैं, बिकॉज हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं यार। सुबह हो गया और हम लोग पटना में ही हैं। सो गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग अपने फर्स्ट स्टॉप के पास, जो कि है सुगना मोड़, जहाँ से हम लोग अभी जो है फ्यूलिंग कराएंगे और थोड़ी बहुत पब्लिक रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे। टैंक फुल कर दीजिए। पावर वाला ना? हाँ एक्सपी 100 नहीं, ये भरिए। हाँ भरिए ना। निकलेंगे, लेट हो गया बहुत। अरे नींद ही नहीं खुला। थोड़े मिलते भैया। क्या फुल रन निकल रहा है? टेंशन तो लगाइए ना उसको। तो सो गाइस एक्चुअली रवि भैया जो है वो हम लोगों को कुछ दूर तक साथ में जाने के लिए आए हैं, एंड बस यहाँ से आई थिंक दानापुर तक हम लोग मेरे साथ में रहेंगे भैया, एंड देन वहाँ से हम और किसले भैया अपने अपने रास्ते। सो गाइस फर्स्ट 50 किलोमीटर जो है वो हम लोगों ने तय कर लिया है और बच चुके हैं 7:46, मतलब कि हम लोग मतलब 2 घंटे लेट हैं। और जो है यहाँ का जो मौसम है एक्चुअली वो हम लोगों का साथ पूरे तरीके से दे रहा है, मतलब धूप जो है वो कभी कभी आ रही है जा रही है, तो मतलब राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और जो हवा चल रही है वो भी हल्की हल्की ठंडी है, मतलब कि जो ऑटम सीज़न जो है वो आने वाला है, एंड गाइस परफेक्ट सीज़न होता है ये राइडिंग के लिए। तो गाइस 76 किलोमीटर्स के बाद पटना से आपको एक डाइवर्जन मिलता है जहाँ से आपको इस गांव के अंदर से जाना होता है। ऑल्दो मैं बहुत ही मतलब रिसेंट ही इस गांव से क्रॉस किया था जब मैं अपने ग्रुप जो है कॉप्स के साथ लखनऊ गया था, तो मुझे तो याद था ये डाइवर्जन बहुत अच्छे से। बट आप लोग जब आएंगे तो 76 किलोमीटर्स याद रखिएगा, एंड देन वहाँ से एक डाइवर्जन आएगा, स्ट्रेट आपको इस गांव के थ्रू होकर के जाना है। यह
गांव मतलब इस गांव से क्रॉस कर रहा हूँ मैं, और जितने भी लोग हैं भाई वो पलट पलट के देख रहे हैं। तो अपनी एक्चुअली वो जो स्टैंड थी फुल स्टैंड, उसका स्प्रिंग जो है वो निकल गया था उस गड्ढे में लग के, एंड रुका थे हम लोग। हालां एक तो लेट हो गया, ऊपर से और लेट होगा। हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं, चालू हो जा भाई। सो गाइस ये है पूर्वांचल के पहले का लास्ट पेट्रोल पंप, जहाँ पे आप मतलब इसके बाद कोई पेट्रोल पंप आपको मिलेगा नहीं नेक्स्ट आई थिंक 200 कुछ किलोमीटर्स तक। तो ये रही अपने टाइगर फुल्ली लोडेड, पैनिया स्टॉप बॉक्स जर्किन ईच एंड एवरीथिंग। भाई साहब क्या भयंकर दिख रही है अपनी बाइक, अब दिख रही है कि हाँ भाई चांद पे जा रहा हूँ मैं अभी। सो गाइस हम लोग वापस पहुंच चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भाई, मतलब अभी तो 10 दिन पहले ही यहाँ पे आया था, और इसी जगह पे यशील वेगा लीन जो है वो बवंडर था, मतलब फुल स्पीड में, मतलब सब लोग पूरी कॉप्स की टीम अपनी, मतलब सैफ भैया या यशील भैया, युवराज, गौरव भैया, रवि भैया, मतलब सब का इस जगह पे लीन का वीडियो आप मेरे इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल मजा आया था। सो एज यू कैन सी हम लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अब, वो है कि बादल जो है वो सर पे हैं और बिल्कुल ही ब्लैक है वो, दैट्स वाई इस बारिश जो है वो थोड़ी थोड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है। ओह किसलिए भैया स्पीड अप करने के लिए बोल रहे हैं क्या भैया? ओके किसलिए भैया, मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही सेइंग टू डू स्पीड अप। Although guys, सबसे बड़ा इशू जो है अभी वो है हवा का जो प्रेशर है वो सीधा पड़ रहा है मेरे चेस्ट पे, एंड हम लोग हवा की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हवा इधर से आ रही है एंड वी आर गोइंग लाइक दिस, और ऊपर से ये बारिश भी हल्की हल्की बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस ये अपनी टाइगर में का जो एक फंक्शन है क्रूज कंट्रोल, उससे मतलब बाइक चलाने में इतना सही हो जाता है ना, मतलब मैंने 97 के 98 पे क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया है और ये आराम से जा रहा है, और आई कैन राइड माय बाइक विद नो हैंडल बार्स। तो ये एक मतलब क्रूज कंट्रोल का एक नेक्स्ट लेवल का बेनिफिट है कि आप मस्त चिल मजा करके आप बाइक राइड कर सकते हो। देयर इज अ बैड न्यूज, पूर्वांचल पे इस बार मेरा जो टायर है टाइगर का वो चला गया है, एंड यहाँ पे एक पैच आ गया यार। अब जो है हम लोग रेस डायनेमिक्स फिर से जाएंगे अभी, सॉरी रेसिंग डायनेमिक्स, although वो शॉप बंद है बट बात किया है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे लखनऊ जा करके। अब तक की स्पीड तो काफ़ी अच्छी थी हम लोगों की, बट अब जो है स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, बिकॉज टायर्स जो है उसमें एक क्रैक आया है। सो हम लोग पहुंच गए गाइस अयोध्या सुल्तानपुर। ओके अयोध्या जो है यहाँ से 1 किलोमीटर और है, एंड जो लखनऊ है वो 124 किलोमीटर्स और बचा हुआ है, और पटना से हम आ चुके हैं 356 किलोमीटर 4 घंटे 37 मिनट में, 356 किलोमीटर हम लोगों ने राइड किया अब तक, एंड जो हम लोगों का एवरेज स्पीड है वो है 76, मतलब कि बहुत ही आराम से हम लोग राइड करते हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, बस थोड़ी सी टेंशन थी टायर्स को लेकर के, बट अब वो भी नहीं है बिकॉज लखनऊ की जो रेसिंग डायनेमिक्स है वहाँ पे मेरी बात हो चुकी है,
एंड वहीं पे जा रहा हूँ मैं अपने टायर्स चेंज करने के लिए। नीतीश भैया है वहाँ पे जिनका वो स्टोर है। सो गाइस ये रहे नीतीश भैया रेस डायनेमिक्स के। एंड भैया जो है वो एक्चुअली आज इनकी शॉप जो है वो ऑफ थी, बट स्टिल भाई साहब टायर लेकर के मेरे साथ आए इस बाइक पे बैठ करके। एंड देन बारिश में भीगे भी पूरे। एंड अभी जो है अपने टाइगर की जो टायर है वो हो रही है चेंज। एंड देन इसके बाद का सीन देखते हैं, अभी अगर जल्दी हो गया तो पीलीभीत के लिए निकल जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो लखनऊ में जो है वो स्टे करना होगा। To stop this world from spinning, like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life, like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass. ये चीज है ना, सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। चौदह में हम दो अजोक लैंड लाए, दिल्ली ले जाए भाड़ा ला देंगे तो 15,000 तक लाएंगे। हाँ सही है, दो ली लैंड क्या अच्छा वो डाला। हाँ लोडर तो लाएंगे, कब देखो तो डाला जो है अगर दिल्ली के ला दिए 15,000 तो बचेगा आधा। यूट्यूब पे आपको डाल देंगे, फेमस कर देंगे। लेकिन जब कोई नई चीज़ आए कभी नहीं देखा, आदमी देखता है ये चीज़ है। पहले गाड़ी गांव में आती थी क्या, मारुति कहीं लला आ गई फलाने कमा के मारुति ले आए। अब बोल मारुति वाले यार फॉर्चूनर और ये BMW पर जाती तब देखने आता आदमी, ये चीज़ है। अपने टाइगर की जो टायर्स है पीछे वाले वो हो चुके हैं चेंज पूरे तरीके से अच्छे से। और नीतीश भैया जो है वो मतलब एक एक चीज़ जो है वो एकदम परफेक्टली जो है वो फिट करवा रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से उनकी गाइडेंस में ये काम हो रहा है। फाइनली अपने टाइगर का जो टायर्स है वो चेंज हो चुका है एंड ऑल थैंक्स टू भैया रेस डायनेमिक्स लखनऊ और भाई लोग के रेस्टोरेंट से। अगर आप लोग आएंगे तो स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगा देना भाई का। सो गाइस अब जो है यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, बेसिकली प्लान में थोड़ा सा हुआ है चेंज और पीलीभीत की जगह लखनऊ में ही स्टे करने वाले हम लोग। और यहाँ से होटल जो है वो अराउंड 3 किलोमीटर्स है, तो चलते हैं अब होटल। सो गाइस अपना होटल है वो रहा सपना क्लार्क इन, जहाँ लखनऊ का हम लोग का स्टे जो है आज यही होने वाला है। और बताओ गाइस तो बहुत ही अच्छे तरीके से रितेश भैया ने यार टायर वायर चेंज वेंज करवा दिया और मतलब खुद लग करके उन्होंने करवाया। और अपना जो डिस्क है उसका जो कैलिपर्स थे वो थोड़े जैम थे तो उसको भी बनवा दिया। कहाँ लाया बाइक? अच्छा फाइनली हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं एंड रूम्स हम लोग ऑल आउट हो चुके हैं। और गाइस इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज का दिन जो था वो मतलब जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है यार कभी कभी प्लान भी जो है वो फेल होता है। तो बेसिकली अब कल से हम लोग को प्रॉपर नया प्लान कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज जो फर्स्ट डे का था 800 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच था हम लोग को जो पुल करना था वो हम लोगों ने पुल नहीं करा। तो गाइस मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग। डू आस्क योर फ्रेंड्स कलीग और योर फैमिली टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।